हेलो फ्रेंड्स, क्राफ्ट वर्ल्ड में आपका स्वागत है। मैं आपको फॉर्म का कलर करना बता रही हूँ, जिसके लिए किस किस चीज़ की ज़रूरत है। सबसे पहले ये एक्रिलिक पेंट लिया है मैंने येलो कलर का, क्योंकि मुझे येलो कलर का पेंट करना था। एक बाउल ले रखा, सीजर लिया है, मुझे थोड़ा सा फॉर्म काटना पड़ेगा उसके लिए, और वाटर ले रखा है। सबसे पहले इस पेंट को मैं इसमें बाउल में डालूंगी, मिक्स करना है चूँकि, इसलिए थोड़ा सा पानी लिया, जितना जितना मुझे ज़रूरत होगी, जितना आपको पेंट करना है उसके हिसाब से लेना। थोड़ा सा पानी ज़्यादा लेना चूँकि सीट के हिसाब से, जितना सीट कवर करना है, जितना सीट कलर करना है, उतनी दूरी के लिए लेना है। पानी के हिसाब से मैंने कलर डाला, कलर इस तरह से डालना है कि पानी कम ना हो उसमें और कलर भी फीका ना पड़े। इन दिन दोनों को आप ब्रश की हेल्प से या स्पॉन्ज की हेल्प से मिक्स कर लें अच्छे से। अब उसके बाद में मैंने सीजर की हेल्प से थोड़ी सी लास्ट में थोड़ा सा इस फॉर्म मैंने कट किया है, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास स्पॉन्ज नहीं था, वो ये फॉर्म भी उसी का वर्क कर रहा था, इसलिए मैंने इसको काटा है यहाँ से। और इसको कलर में डुबोएंगे। ये फॉर्म की सीट बहुत ज़्यादा बड़ी है तो, और कलर के हिसाब से मैंने जितना मुझे ज़रूरत थी फॉर्म कलर करने की, उतना मैंने और काटा है। सो कटोरी में जो ये बाउल में जो रखा हुआ कलर है, पेंट है, उसमें इसको डिप करके और उसके बाद में इस पर कलर करेंगे। पूरा डुबोएंगे तो बहुत ज़्यादा कलर लग जाएगा, इसलिए ऊपर ऊपर से कलर करते हैं और पूरा मिक्स हो जाता है थोड़ी देर में। जैसा आप देख रहे हैं, ये फॉर्म सेट बहुत बड़ा है, तो मैं हाफ सीट कलर करूँगी और हाफ सीट कट कर दूँगी इसकी। आप पहले से भी कट करके रख सकते हैं। इस तरह से हल्का हल्का डिप करने से पूरा अच्छे से मिक्स भी हो जाता है और पेंट भी कम लगता है, जिस तरह से आप देख रहे हैं। अब इसको फोल्ड कर देंगे। पीछे साइड में आप देख रहे हैं तो हल्का वाइट और येलो इस जैसा आ रहा है, तो पीछे मैंने फोल्ड करके फिर से उसको डिप किया, तो बहुत कम डिप करने पे वो आसानी से मिल गया। और देखो, इस तरह से मैंने इसको पूरा डिप करके और उसके बाद में ऊपर से लगा के इसको कलर किया। और ये बीच का जो ये जो छोटा वाला पार्ट था, वो भी चूँकि मुझे यूज में लेना है, फेंकना नहीं है, तो इसको भी मैंने कलर कर लिया पूरा। इसमें जो कलर था बहुत ज़्यादा अंदर में मिल गया था, इसलिए मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर दिया। अब इसको मैंने धूप में रख दिया सूखने के लिए, तो मैंने इसको लटका दिया है और ऊपर पिन लगा दिया जिससे ये उड़े ना, और धूप में अच्छे से सूख करके। और ये पूरा येलो कलर की फॉर्म शीट दिख रही है मुझे। अब इसके जो फ्लावर बनाने हैं या आप कुछ भी जो बनाना चाहो कलर करके, अलग अलग कलर में आप बना सकते हो।